इंतजार इंडियन एयरलाइंस का प्लेन हाईजैक हुआ है। तो देखो यार, नेटफ्लिक्स के ऊपर ना एक नया इंडियन शो आने वाला है जो कि रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है, जिसका नाम होने वाला है IC 814 द खानदार हाईजैक, जिसके अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं विजय वर्मा और साथ में बहुत सारे कमाल के एक्टर्स और भी देखने को मिलेंगे। तो उसका जो टीजर है वो फाइनली हमारे सामने निकल के आ चुका है। अब इसका टीजर किस तरीके से बन के निकला है, ये शो किस बारे में है और ये आपको कब देखने को मिलने वाला है, आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। बट बिफोर दैट, हाई एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा लाइव 33। तो आप लोगों का फिर से एक और नए वीडियो में स्वागत है। विद दैट बीइंग सेड, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखो, बात करते हैं इस शो की स्टोरी सेट होने वाली 1999 के अंदर, और इस शो की स्टोरी के अंदर आपको देखने को मिलने वाली 24 दिसंबर 1999 की शाम की एक ऐसी घटना जहां पर 5 पाकिस्तानी टेररिस्ट ने मिलकर जो है इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 814 को जो है हाईजैक किया था, जिसके अंदर अराउंड 176 पैसेंजर्स थे जो कि काठमांडू नेपाल की तरफ जा रही थी। किस तरीके से उस प्लेन को डीरूट करके पहले पाकिस्तान, फिर UAE, फिर उसके बाद फाइनली अफगानिस्तान के खानदार में जाके उसको लैंड कराया गया था। उस हाईजैकिंग का पर्पस यह था कि किस तरीके से ऐसे 3 टेररिस्ट को जो है इंडियन जेल से छुड़ाया जाए जो उस टाइम पे हम HUM नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट थे। उन टेररिस्ट की जो एक्टिविटी थी वो बाद में 2008 के अंदर, 2011 के अंदर, 2016 के अंदर और उसके बाद 2019 में पुलवामा वाले हमले के अंदर भी उनका कंट्रीब्यूशन देखा गया। अब उस रात को हुआ क्या, क्या पूरी की पूरी घटना है, वो आप लोगों के सामने ये शो रखने की कोशिश करने वाला है, जिसका आइडिया आपको इसके टीजर को देख के लग जाता है। और बात करें इस शो के अंदर एक्टर्स के बारे में, इतने कमाल कमाल के एक्टर्स आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं। पहले बात करें, आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ पे विजय वर्मा, साथ में आपको देखने को मिलने वाले हैं कुमुद मिश्रा, साथ में आपको देखने को मिलने वाले नसरुद्दीन शाह सर। इसके अलावा पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो मैंने आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दी है। मतलब कास्टिंग वाइज ये शो किसी भी हाल में डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। और अगर मेरे को आपके सामने इसके टीजर का रिव्यू सिर्फ एक लाइन में करना हो, मैं बोल सकता हूँ कि ये शो जो है काफी ज्यादा थ्रिलिंग होने वाला है, काफी ज्यादा इंट्रिगिंग होने वाला है। और जिस तरीके से रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है, इसका इम्पैक्ट मुझे लगता है कि फैंस के ऊपर, ऑडियंस के ऊपर और ज्यादा पड़ेगा। और देखो, जहां तक बात रही इस शो के प्रोडक्शन के बारे में, इस शो की डायरेक्शन के बारे में, तो जिस तरीके का आइडिया इसके टीजर को देख के लग रहा है, डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये वर्थ इट होने वाली है। और अगर देखो बात करें जिस तरीके की इसकी स्टोरी है, जिस तरीके के कॉन्सेप्ट के ऊपर ये मूवी बनी हुई है, ऑडियंस को उसके बारे में इतना पता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये शो जो है आपके सामने रखने की कोशिश करने वाला है, मुझे लगता है कि ऑडियंस को इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और आपको जाके डेफिनेटली इसका टीजर चेक करना चाहिए अगर आप लोगों ने अब तक नहीं किया है। क्योंकि मेरे को पर्सनली जो इसका टीजर है वो काफी ज्यादा, काफी मायनों में बहुत जबरदस्त लगा है, चाहे वो थ्रिल हो, चाहे वो सस्पेंस हो, चाहे जिस तरीके से आपको यहाँ पे बिल्डअप देखने को मिल रहा है, डेफिनेटली मेरे को पर्सनली उसको देख के मजा आया। बात करें इसकी रिलीज डेट के बारे में, तो ये शो आपको जो है 29 अगस्त को नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलने वाला है। आई नो कि उसको आने में पूरे का पूरा जो है महीना बाकी है, लेकिन नेटफ्लिक्स की तरफ से अगस्त महीने के अंदर ये शो आपको नेटफ्लिक्स में देखने को मिलेगा। तो कम से कम मैं तो इसका वेट कर रहा हूँ। आप लोगों के इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, आप लोगों ने चेक किया है नहीं किया है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करके बताओ। बाकी अगर आप लोगों ने इस वक्त देख लिया है तो इस वीडियो थोड़ा सा लाइक करो और ऐसे कॉन्टेंट को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर एंड कीप वॉचिंग सिनेमा अलाइव 33।